नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। गया से अभी अभी एक चौंकाने वाला खबर निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर लगभग 13 करोड़ की लागत से बना पुल मामूली सी बाढ़ के पानी में मिनटों में धराशायी हो गया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये घटना डोभी प्रखंड के कोठवारा वरिया गाँव के पास निरंजना नदी पर बन रहा पुल मामूली बाढ़ में ही नदी में भड़भड़ा कर समाहित हो गया। ये वही पुल है जो पिछले 6 सालों से बनाया जा रहा है। आज तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। निर्माण कार्य के नाम पर अब तक नदी में 16 पिलर ही खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को नदी का जलस्तर मामूली सा बढ़ा तो पुल का स्ट्रक्चर भड़भड़ा कर गिर गया। पुल को गिरते हुए स्थानीय लोगों ने देखा तो कुछ युवक ने इसका वीडियो भी बना लिया। इस दौरान वहां खेल रहे बच्चे पुल के स्ट्रक्चर को गिरता देख मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी में हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ मामूली ही होती है, इससे क्षेत्र को नुकसान भी नहीं होता। बावजूद इसके पुल का स्ट्रक्चर का गिरना अचरज की बात लग रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पुल निर्माण कंपनी के कर्मचारी और मजदूर बरसात के शुरू होने के समय से ही यहां से चले गए हैं। यहां पर बस अब गार्ड रहते हैं। इसके अलावा कंपनी का भी कोई व्यक्ति यहां पर नहीं रहता। कोठवाड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि पुल के गिरने की सूचना प्रखंड कार्यालय को दे दी गई है। फिलहाल मौके पर मुआयना करने कोई नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि इस पुल का शिलान्यास 2015 में क्षेत्र के पूर्व विधायक विनोद कुमार के हाथों कराया गया था। पुल निर्माण की लागत 13 करोड़ रुपए है। इसे नाबार्ड योजना के तहत बनवाया जा रहा है। निर्माण कंपनी की जिम्मेदारी तिरुपति बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दी गई है। पुल के निर्माण कार्य में प्रयोग में लाई जा रही सामग्रियों पर शुरुआत से ही ग्रामीणों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि पुल के निर्माण कार्य में प्रयोग लाई जा रही सामग्रियों को लेकर यह पुल शुरुआत के दिनों से ही विवादों में घिरा रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण ने घटिया निर्माण सामग्री का हवाला देते हुए जमकर विरोध भी जताया था। लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, साथ ही घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत भी क्षेत्र के पूर्व विधायक से की गई थी, बट इसकी सुनवाई लगता है नहीं की गई, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोहे और सीमेंट से बना पुल मिनटों में बाढ़ के पानी से ऐसे गिर गया मानो वो पुल सीमेंट और लोहे की नहीं बल्कि कागज से बनाई कठपुतली है। जिस तरीके से तस्वीरों में पुल का गिरना अचरज का बात है, उस तरीके से ग्रामीणों के लिए शायद ये अचरज का बात नहीं है, क्योंकि ग्रामीण लगातार और शुरू से ही पुल के निर्माण के दौरान ही शिकायत कर रहे थे, बट उनकी शिकायत नहीं सुनी गई। इसी का नतीजा ये है कि थोड़ी सी बरसात के पानी में, थोड़े से बाढ़ के पानी में ही इस पुल का ये हाल हो गया। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।